वेलकम दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एडुकेशन इन हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहां जति विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज इस वीडियो पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू एक्सपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल टू पाइप डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। हाँ दोस्तों, आप किस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे एक्सेल फाइल को सीएसवी फाइल पे। सीएसवी एक ऐसा फाइल है जिसको टेक्स्ट फाइल पे आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड या आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से उस फाइल को ओपन कर पाएंगे। सो दोस्तों, अगर एक्सेल को आप टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं और पाइप डिलिमिटेड या कॉमा डिलिमिटेड या तो कुछ और सिंबल डिलिमिटेड भी रख सकते हैं डाटा के बीच पे, तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इस डिलिमिटेड को यूज कर पाएंगे। कॉमा, पाइप या डिफरेंट कुछ कैरेक्टर या सिंबल से भी आप डिलिमिटेड किस तरह से कर पाएंगे, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले कुछ चेंजेस करना है आपको कंट्रोल पैनल में जाके रीजनल लैंग्वेज पे। सो दोस्तों कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे मिलेगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से चूज करना है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा रीजनल लैंग्वेज का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग्स, इस एडिशनल सेटिंग्स पे करना है आपको क्लिक। जब आप एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा लिस्ट है, लेकिन आपको यहाँ से चूज करना है ओनली लिस्ट सेपरेटर, और इसमें जो भी सिंबल दिया हुआ रहेगा वही डिलिमिटेड यूज होगा। जैसे कि अगर आप कॉमा से डिलिमिटेड करना चाहते हैं तो कॉमा रख सकते हैं, या एट द रेट ऑफ सिंबल रख सकते हैं, या तो पाइप सिंबल दे सकते हैं, या कुछ और भी दे सकते हैं। ये जो सिंबल आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, इस सिंबल यूज होगा जब आप एक्सेल से कोई भी डाटा एक्सपोर्ट करेंगे टेक्स्ट फाइल पे। सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको करना है चेंज। पहला स्टेप पे आपको करना है कंट्रोल पैनल में आके रीजनल लैंग्वेज पे आने के बाद लिस्ट सेपरेटर पे आपको डालना है वो वाला सिंबल जिससे आप डिलिमिटेड करना जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला स्टेप क्या होगा। तो पहले मैं यहाँ पे कॉमा रख देता हूँ, इसके बाद में ओके पे करना है आपको क्लिक, अगेन ओके पे करना है आपको क्लिक। इसके बाद में कंट्रोल पैनल को क्लोज कर दीजिए और अब जाना है आपको एक्सेल फाइल पे। तो चलिए देखते हैं स्टेप टू पे आपको करना क्या है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ डाटा है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है, ये जो डाटा है इसको करना है एक्सपोर्ट टेक्स्ट फाइल पे, लेकिन यहां पे डिलिमिटेड होगा जो कि सेपरेटर यूज होगा कॉमा, क्योंकि हमने रीजनल लैंग्वेज पे कॉमा सेपरेटर करके रखे थे। अभी इसको कॉमा सेपरेटर दैट इज कॉमा डिलिमिटेड पे किस तरह से टेक्स्ट फाइल पे आप कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना है ऑफिस बटन और सिंपली क्लिक करना है सेव एज। सेव एज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लोकेशन चूज कर लेना है। तो मैं यहां से चूज कर लेता हूँ डेस्कटॉप। अभी कोई भी फाइल नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप याद रखिएगा सेव एज टाइप जो है यहाँ से आपको चूज करना है सीएसवी डिलिमिटेड। सीएसवी कॉमा डिलिमिटेड ये जो ऑप्शन है इसको आप करना है सिलेक्ट, क्योंकि ये कॉमा डिलिमिटेड जो कि लिंक है रीजनल लैंग्वेज के साथ, तो यहाँ से आपको चूज करना है सीएसवी कॉमा डिलिमिटेड। उसके बाद में आपको करना है सिंपली सेव पे क्लिक। इसके बाद में कुछ वार्निंग मैसेज आपको यहाँ पे आएगा, तो सिंपली ओके इसके बाद में यस करके इसको ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों अभी चलते हैं उस फाइल को किस तरह से आप नोटपैड पे ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे डेस्कटॉप पे मेरा ये वाला फाइल यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको जाना है ओपन विथ, और यहाँ से चूज करना है आपको नोटपैड। जब आप नोटपैड पे करेंगे क्लिक तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी डाटा आपने एक्सपोर्ट किया है वो कॉमा से सेपरेट हो चुका है। अब चलिए फटाफट से इस कॉमा सेपरेटर को हटा के पाइप सेपरेटर किस तरह से यूज करेंगे या एट द रेट ऑफ किस तरह से यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए हैं, तो झट से देख लीजिए किस तरह से पाइप को यूज करना है या एट द रेट ऑफ सिंबल को यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, तो चलिए देखते हैं।